स्टार्ट करें, शुरू होना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए, सोल्जर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और सबसे पहले मैं बीएम सर और ओम सर का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि उनके योगदान से मैं आप लोगों के सामने आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। और आप लोगों से आज मैं एयरफोर्स और नेवी के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भारत के राज्य एवं भाषा राज्य पर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर ये देखेंगे किस राज्य की क्या भाषा है या किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है और किस राज्य की कौन सी राज्य भाषा है, ठीक है? इसी पर हम बात करेंगे। और देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर देखा जाए तो देखा जाता है कि भाषा राज्य किस राज्य की क्या भाषा है, उससे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर इन राज्यों की बात की जाए, इन राज्यों में स्पेशली अगर देखा जाए जो बोली की बात बोली जाती है भाषा, वो आपका क्या है? हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है? हिंदी भाषा बोली जाती है, लेकिन झारखंड में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी क्या है? राज्य भाषा है। और बिहार में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी क्या है? राज्य भाषा है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन अगर इन छह जगह की बात की जाए, छह राज्य की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? हिंदी क्या है? इन राज्य की राज्य भाषा है। और झारखंड और बिहार में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी क्या है? राज्य भाषा है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों राज्य के भी जो राज्य भाषा है वह क्या है? हिंदी राज्य भाषा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो राज्य भाषा है या जो बोली बोली जाती है या जो भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों उस राज्य की क्या है? राज्य भाषा है, ठीक है? इसी तरीके से पंजाब की पंजाबी राज्य भाषा है, पंजाबी बोली जाती है पंजाब में। गुजरात की गुजराती भाषा है, गुजराती बोली जाती है पंजाब में। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, मराठी भाषा है राज्य भाषा। और कर्नाटका में कन्नड़ भाषा क्या है? राज्य भाषा है, ठीक है? इसी तरीके से अगर देखा जाए, केरल की जो राज्य भाषा है वो मलयालम है, और तमिल की जो राज्य भाषा है या जो भाषा बोली जाती है वह तमिलनाडु की जो भाषा है बोली जाती है वह आपकी तमिल है। इसी तरीके से अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश की जो राज्य भाषा है वह तेलुगु है, तेलुगु के साथ साथ उर्दू भी आपके आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। और अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल, लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल पहले बोला जाता था, करंट में उसका नाम बदल के बंगला कर दिया गया है। तो बंगला या पश्चिम बंगाल, बंगला या पश्चिम बंगाल, इनकी जो राज्य भाषा है या जो भाषा बोली जाती है वो क्या है? बंगाली है, ठीक है? इसी तरीके से आप देखेंगे ओडिशा, ओडिशा की जो राज्य भाषा है या जो भाषा बोली जाती है वो उड़ीसी भाषा बोली जाती है। असम की क्या है? असामी भाषा बोली जाती है। सिक्किम में क्या है? नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए अरुणाचल प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा
बोली जाती है। त्रिपुरा में बंगला भाषा बोली जाती है, या त्रिपुरा की जो राज्य भाषा है वह बंगला है, मिजोरम का मिजो भाषा है, ठीक है। और अगर देखा जाए मणिपुर में मणिपुरी ही उसकी राज्य भाषा है, और साथ साथ में अंग्रेजी भी इसकी क्या है, राज्य भाषा है। नागालैंड की राज्य भाषा जो है वो इंग्लिश है। मेघालय की जो राज्य भाषा है गारो है, साथ साथ में मेघालय की जो राज्य भाषा वह खासी भी है, ठीक है। अब देखा जाए अगर कोकड़ी गोवा, गोवा की जो राज्य भाषा है या भाषा जो बोली जाती है वह गोवा में कोकड़ी भाषा बोली जाती है, और या मराठी भाषा बोली जाती है, मतलब दोनों वहाँ की क्या है, ये कोकड़ी और मराठी दोनों गोवा की क्या है, राज्य भाषा है, या आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तेलंगाना के बारे में अगर देखा जाए तो तेलंगाना में हिंदी और तेलुगु, तेलंगाना की जो राज्य भाषा है हिंदी है और तेलुगु दोनों है। जम्मू कश्मीर की देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के जम्मू और कश्मीर दोनों क्या है, जम्मू और कश्मीर के, मतलब जम्मू कश्मीर के जो राज्य भाषा है वो क्या है, आपकी कश्मीरी भाषा है। लेकिन हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसको याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वह आसान तरीका आपका ये होगा, सबसे पहले ये छांट लीजिए यहाँ पर कि देखिए कि किस राज्य की नाम से मैच करती हुई भाषा है। तो यहाँ हम कैसे छांटेंगे, थोड़ा देखना यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, जैसे गुजरात से गुजराती एक बार देख लीजिए, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है। अब इसी तरीके से पंजाब में पंजाबी, ये दोनों भाषा आप एक बार में क्या करिए देख लीजिए, अभी आपको याद करने वाली कोई बात नहीं है। चलिए ये आपके लिए आसान हो गया। अब देखिए तमिल में, तमिलनाडु में तमिल, ये आपके लिए आसान हो गया। अब इस तरीके से अगर देखा जाए ओडिशा में ओडिसी, ये आपके लिए आसान हो गया। असम में असामी, ये आपके लिए आसान हो गया। अब आगे अगर देखिए इसी तरीके से मिजोरम में मिजो, ये आपके लिए आसान हो गया। मणिपुर में मणिपुरी या अंग्रेजी, आपके लिए आसान हो गया। और अगर यहाँ पर देखा जाए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, आपके लिए ये भी आसान हो गया। अब देखिए अब और कैसे याद करेंगे आप, उत्तर प्रदेश झारखंड उत्तराखंड बिहार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें देखिए सब में हिंदी बोला जाता है, केवल झारखंड और बिहार में उसकी राज्य भाषा क्या है, उर्दू है, बस इसको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर देखा जाए राजस्थान में हिंदी, हरियाणा में हिंदी, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी है, केवल इसकी अंग्रेजी भी राज्य भाषा है। यहाँ याद रखने वाली जो बात है, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं तो वहाँ की भाषा क्या है, मराठी है, ऐसे याद कर लीजिएगा। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है। आगे ये भी याद रखिए, केरल में मलयालम बोली जाती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा एग्जाम में पूछा गया है आपके, ठीक है। इसी तरीके से बंगाल में बंगाली बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में या बंगला में, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लीजिएगा। सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है कई बार, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, त्रिपुरा में बंगला बोला जाता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज करता है त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप याद रखिएगा बंगला बोली जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नागालैंड में देखेंगे तो नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है। मेघालय में गारो और खासी नाम की दो भाषाएं हैं, ये बोली जाती हैं, ठीक है। गारो और खासी की अगर बात की जाए तो समझिएगा थोड़ा सा, गारो और खासी और जयंतिया नाम जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो वहां क्या पर्वत श्रेणियां पाई जाती जाती या घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर ये भाषाएं भी वहां पर है, गारो और खासी, तो उनसे जोड़ के आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। गोवा में कोकड़ी और मराठी बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु, तेलंगाना से तेलुगु याद कर लीजिएगा, और याद रखिएगा यहाँ पर हिंदी भी बोली
जाती है। अब एक बात याद रखिएगा, जब मैंने कहा कि इस राज्य में भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो माइंड में हमेशा रखिएगा। जिस किसी भी राज्य में रहने वाले लोग जितने भी हैं, या उस देश के जितने, उस राज्य के जितने निवासी हैं, जिस भाषा की बोलने की बहुलता ज़्यादा होती है, उसी की, मतलब जिस भाषा को बोलने की बहुलता ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे बोली, और वही बोली उस राज्य की क्या बना दी जाती है, राज्य भाषा बना दी जाती है। ठीक है, यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, और हम लोग अगले टॉपिक पर फिर मुलाकात करेंगे।